हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? और देखिए, सुबह तो हो गई थी, बहुत दूर हो गया फिर ही दोपहर भी हो गई, और मतलब दोपहर ऐसे हो गई क्योंकि आपको बता नहीं सकते, आप सोचेंगे हम झूठ बोल रहे होंगे कि इतना काम रहता है, ठंड बहुत है और सबका नहाना धोना है और जो भी काम था। और आज दिन में बनाई हमने पतली खिचड़ी, तो अब क्या दिखाएं आपको, पतली खिचड़ी एवरी टाइम आप देख चुके हैं, बहुत बार पतली खिचड़ी हम बनाते हैं। मतलब हम क्या बनाते हैं, मतलब सबको अच्छी लगती है, हमारे में सबको अच्छी लगती है। और आज शाम का प्रोग्राम है हमारा, हम सोच रहे हैं कि मटन के कोफ्ते बनाएं, कीमे के कोफ्ते। और अभी सोचा है, अभी देखिए, मतलब सोच तो पूरा रखा है कि कोफ्ते बनाएंगे, लेकिन यह है कि अभी हरी मिर्ची नहीं है, धनिया तो है हरा लेकिन मिर्ची नहीं है, उसके बिना तो बनेगा ही नहीं। यस बेबी। और वेट है, और वेट कर रहे हैं उनका जो हमारे सब्जी वाले भैया हैं, मतलब एक तो है ही है जो आते हैं, जिनसे हम ले लेते हैं, वैसे तो सबसे ले लेते हैं, लेकिन आज कोई भी नहीं आया शाम को, पता नहीं ठंड के मारे नहीं आए या उन लोग चले गए अपने बिहार चले गए, पता नहीं। तो अब देखिए, फिर भी वेट कर रहे हैं, क्या पता कोई आ जाए तो हरी मिर्ची ले लें और तब कोफ्ते बनाएंगे। तो लेकिन अगर नहीं बने तो खैर कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी हमारा पूरा प्रोग्राम है कि कोफ्ते बनाएं, और कोशिश तो ये करेंगे कोफ्ते बनाएं। चलिए फिर, अभी जो भी होगा, अगर सब्जी वाले भैया आ गए तो फिर हम कोफ्ते बनाएंगे, और अगर नहीं आए तो फिर वही कीमा आलू मटर बना लेंगे, ठीक है। और जो बनाएंगे वो पूरी रेसिपी तो शेयर नहीं करेंगे, बस आपको थोड़ा बहुत दिखाते रहेंगे कि ये देखिए, ये देखिए, हेलो कर रही हैं चोनू, चोनू बेबी मेरी हेलो कर रही है, नॉटी गर्ल। चिप्स निकल रहा था। चलिए फिर देखिए, अभी उनका वेट कर रहे हैं, सब्जी वाले भैया का वेट करते हैं, और आ जाए तो ठीक है, और अगर नहीं आए तो फिर कीमा आलू मटर बनाएंगे और फिर आपको दिखाएंगे, शेयर करेंगे। और देखिए, अब पता क्या, हम लोग को तो अच्छा लगता है, आप डैडू को और ये लोग, हम जो बनाएंगे वो खा तो लेंगे, मे बी हम इन लोग को बोलेंगे कि मक्की के छोटे छोटे पराठे बनाएंगे तो वो लोग खा लेंगे, मतलब ना नहीं बोलेंगे, ये तो अच्छा ही है उन लोग की, वो किसी चीज़ के ना नहीं बोलते कि ये हम नहीं खाएंगे। तो देखिए, अगर कोफ्ते बन गए, कोफ्ते के संग तो बहुत अच्छा लगता है, और मक्की की रोटी या मक्की के पराठे या जो भी है, तो चलिए फिर जैसा भी होगा फिर आपसे शेयर करेंगे, और नहीं हो पाया तो फिर वही फिर कीमा आलू मटर बनाएंगे, और जो भी बनाएंगे फिर आपको दिखाएंगे, ठीक है। कांप रहे हैं हाथ ठंड के मारे, फ्रेंड्स ठंड के मारे हाथ कांप रहे, चिल्ड रहे बेबी। फ्रेंड्स यहीं तक जा रहे हैं, अभी आ रहे हैं, चुप हो। फ्रेंड्स देखिए, आज बनाइए शाम को टमाटर की चाट, ये है टमाटर, और इसकी चाट जो बनारस की फेमस होती है, मतलब खाली टमाटर की नहीं होती, इसमें हमने एडिशनल कुछ ऐसा करा है कि जो करते हैं, मतलब उसमें है नहीं, लेकिन हमने अपनी तरफ से जो सफ़ेद मटर होती है ना वो ऐड करी, इतनी यम बनी है, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त है। आप भी बनाइएगा, अगर आपको रेसिपी पूछनी हो तो हम आपको बता देंगे। खाने का मन कर रहा है। इसमें मिर्ची है बेबी, मिर्ची है बेटा। देखिए फ्रेंड्स, आज बन रहा है कीमा आलू मटर, और ये मसाला भुन रहा है, आप देखिए कितना जबरदस्त मसाला भुन रहा है, और आलू देखिए, ये छोटे छोटे बेबी पटेटोस, छोटे छोटे हमको बहुत पसंद है, छोटे छोटे जब हम आलू लेते हैं तो हमसे कहते हैं भैया छोटे वाले दीजिएगा, ये है कीमा रखा हुआ, और अभी मटर रखी हुई है, अभी फिलहाल मसाला भुन रहा है, और ये शाइनी की, ये मेरी चाय, और डैडू और भैया को दे दी, मामा को भी दे दी। चलिए अब हम चाय पी ले, फिर आपको बताएंगे, रेसिपी तो नहीं दिखाएंगे, मतलब ऐसे स्टेप बाय स्टेप थोड़ा बहुत दिखा देंगे आपको कि क्या बना रहे हैं, कीमा कैसा बन रहा है, कैसा लग रहा है। चलिए चाय पी लें, फिर मिलेंगे अभी छोटे से ब्रेक के बाद। देखिए फ्रेंड्स, अब बन गए आलू छोटे छोटे, नन्हे नन्हे गोल गोल, हमको बहुत पसंद है छोटे वाले आलू,
मतलब वो अच्छे लगते हैं, जैसे आप मेथी, आजकल तो हरी सब्जियों का सीजन है तो मेथी के साथ तो बहुत अच्छे लगते हैं। मतलब एक आलू के दो पीस कीजिए छोटे छोटे की, और हम तो बिल्कुल लेते हैं बिल्कुल छोटे छोटे। आज जो हमने इसमें ऐड किए हैं वो थोड़े मतलब इतने आपको बड़े दिख रहे होंगे लेकिन उतने बड़े हैं नहीं, और इसमें छोटे भी है बिल्कुल नन्हे, कंचे से भी छोटा वाला आलू भी है इसमें। बस अब ये डाल दिया, आलू डाल दिया, अब ये थोड़ा सा भूनेंगे, और भून के थोड़ा सा पानी डाल के इसको, आलू जब तक गलेंगे नहीं तब तो एक सीटी भी देंगे, हम सीटी देते ही नहीं है, और 5-7 मिनट वो कर देंगे स्टीम में, उसके बाद बंद कर देंगे, उसके बाद वो डाल देंगे मटर। फिर उसका जो पराठे बनाएंगे, आपको मक्का के वैसे दिखा चुके हैं क्या आपको क्या दिखाएं, लेकिन फिर भी जो हमारे नए सब्सक्राइबर जुड़े हैं उनके लिए हम फिर दिखाएंगे, कोई बात नहीं फिर दिखाएंगे। देखिए फ्रेंड, जैसे आपको बोला था कि अभी आलू डालेंगे, थोड़ा सा स्टीम में रहेगा, और सीटी नहीं बजाई हमने, 5 मिनट वैसे रहे स्टीम में रहे, और ये गल गए आलू। और लेकिन बड़ा अफसोस है कि हमारा जो मिशन कोफ्ता था वो फेल हो गया, लेकिन अभी देखिए कितने प्यार लग रहा है, कितना ज़बरदस्त लग रहा है। बस अभी मतलब भून दिया हमने, पहले हम भूनते बहुत हैं, अरे भून गया है, पहले भून दिया हमने, अभी थोड़ा सा और भून देंगे, उसके बाद मटर डालेंगे। और आज जो हमारी स्पेशल जो एक चीज़ होती है ग्रीन चिली, वो हम डाल नहीं पाएंगे क्योंकि आज है ही नहीं, अगर होती तो फिर कोफ्ते बनाते। फिर अभी देखिए अभी जो बनाएंगे मक्के की छोटे छोटे पराठे और रोटी बनाएंगे वो भी आपको दिखाएंगे, लेकिन आपको देखने में लग रहा हो कितना यम है ना, यम। देखिए आप लोग बनाइए, अरे बनाइएगा नहीं, हम यूँ नहीं करेंगे, बनाइएगा। सब ऐसे बनाते होंगे, साबुत आलू बना के बना डालते होंगे, हमको तो ऐसे पसंद है छोटे छोटे साबुत आलू, कीमा जब बनाते हैं तो कीमा मटर आलू बनाते हैं तो ऐसे बनाते हैं। और फिर अभी बनाएंगे जो पराठे बनाएंगे, मक्की के पराठे बनाएंगे, फिर आपको दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हरा धनिया चॉप हो गया और बस ये स्टीम में है, अभी बस स्टीम निकल जाए उसके बाद हम हरा धनिया डाल देंगे, उसके बाद जो बनाएंगे रोटी पराठा जो भी बनाएंगे आपको दिखाएंगे, आपके साथ शेयर करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, रेडी हो गया हमारा खाना, और अभी बनाएंगे हम इसके साथ मक्की के पराठे और गेहूँ की रोटी। अभी लोग बोले मटर ना डालिए, ठीक है ऐसी ठीक है, हमने मटर नहीं डाली, फिर चलिए जब बनाएंगे फिर आपको दिखाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस समय तो बन रही है सिंपल पराठे, कितने संग मज़ेदार भयंकर होते हैं ये पराठे, मतलब जल्दी होती है तो हम ऐसे ही बना देते हैं, अदरवाइज़ तो वैसे लपेटने वाले बनाते हैं, जैसे बहुत से लोग तिकोन बनाते हैं, बहुत से लोग चुकर बनाते हैं, हम चकोरी बनाते हैं, लेकिन अभी उधर खाना लग गया है, खा रहे हैं, और शाइनी बेबी दे रही हैं डैडू को, भैया को खाना बेचारी वो सर्व करती हैं ले जा ले जाके। और अभी देखिए ये आटा रखा है ना मक्की का, इसके पराठे बनाएंगे अभी, थोड़ा ये खा लें उसके बाद जब होता है कि नहीं अब हो गया, उसके बाद देखिए ऐसे ये पराठे बन रहे हैं ज़बरदस्त वाले। फिर इसके बाद अभी दिखाएंगे आपको कि जब छोटे छोटे मक्की के पराठे बनाएंगे तो फिर दिखाएंगे, चलिए इन लोग को दे दें सेक लें जल्दी से, फिर आपको दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये बन रहे छोटे गेहूँ की रोटी तो बना के दे दी, गेहूँ के पराठे बनाए थे, पराठे ही बनाए थे, और ये मक्की के पराठे बन रहे हैं एकदम भयंकर। जैसा तो कहा था आप नॉन वेज संग ये खाइएगा तो आपको मज़ा आ जाएगा। चलिए अब बना लें, उनको दे दें, वो लोग खा ही रहे हैं, वो लोग अभी रनिंग में चल रहा है, बच्ची रोटी भी जा रही है, शाइनी उनको दे रही है, बेचारी सर्व करती हैं, उनको अच्छा लगता है। चलिए बना लें, फिर आपसे गुड नाइट कहेंगे। चलिए फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको? और शाइनी यहीं बैठी हुई और कह रही हैं कि हमको नहीं आना, खैर कोई बात नहीं आना। और जो बनाया था आपको कैसा लगा? हमने तो खाया बहुत मज़ेदार, बहुत था। हमको तो मक्का की रोटी के साथ मतलब हमको हर चीज़ पसंद है, मक्का की रोटी हो, दाल हो, सब्ज़ी हो, और नॉनवेज हो तो उसकी बात ही अलग होती है, और सबको बहुत अच्छा लगा। और चलिए इसी के साथ आज के लिए इतना ही, और आज फिर ब्लॉग पोस्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि अब देखिए ठंडा इतना है तो घर से बाहर ही नहीं जा रहे, अब घर का क्या करें, आपके साथ क्या शेयर करें घर का, तो इसलिए अब ये ब्लॉग जो है वो कल पोस्ट कर देंगे, कल मे बी 11-12 बजे तक पोस्ट कर देंगे। और सब कुछ बहुत अच्छा था, बहुत मज़ेदार, एकदम यमी बना था, सबको बहुत अच्छा लगा। और चलिए फिर
कल मिलते हैं और आप सबसे यही कहेंगे, अपना ख्याल रखिए, अपने अजीजों का ख्याल रखिए और थैंक्स फॉर वॉचिंग। और जो नए हमारे सब्सक्राइबर जुड़े हैं उनके लिए हम फिर से ही कहेंगे, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गुड नाइट एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।